आज मैं आप लोगों के लिए वाइट टमाटर का सालन लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी यमी बनता है, बहुत आसान तरीके से बनता है, 5 से 8 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आइए रेसिपी हम आप लोगों का शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपके घरों में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में रिज़्क़ बरकता फरमाए। आज हम लोग सफ़ेद टमाटर और प्याज की सालन तैयार करने लगे हैं। प्याज जो है वो हमने बड़े बड़े मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं और ये हमने सफ़ेद टमाटर लिए हैं। गर्मियों के सीज़न में बहुत आम मिल जाते हैं, इनकी हम कटिंग कर लेते हैं और तैयार करते हैं। बर्तन में हमने ऑयल शामिल किया और इसमें हमने हल्की सी एक चुटकी जो है वो हल्दी की शामिल कर दी है। शामिल करके इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा प्याज हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसमें शामिल कर दिया है। हमने कैरी जो कच्ची कैरी होती है उसको हमने कूट के अच्छे से तैयार कर लिया, ये भी हम इसमें शामिल कर दिया। और इसमें एक चम्मच के करीब जो है हम सब्ज़ मिर्च का कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें खुश्क धनिया शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे। हमने जो चटनी कैरी की बना के डाली थी उसमें भी हमने नमक और मिर्च शामिल किया हुआ है, इसलिए हम इसके साथ शामिल करेंगे। अब हम इसकी अच्छे से बनाई कर लेंगे। 2-4 चींटे जो है हम पानी के इस तरह से देंगे। जो मिर्च वगैरह है वो नीचे ना लगने पाए। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टमाटर हैं सफ़ेद, ये झटपट तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस तरह छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। बस 2 से 3 मिनट इसको और लगते हैं और हमारा जो सफ़ेद टमाटर का सालन वो रेडी हो गया है। ये देखिए, प्याज जो है हमारे, प्याज और सफ़ेद टमाटर जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। ये जो सफ़ेद टमाटर हैं ये इसी कंडीशन में रहेंगे, ये बिल्कुल वाइट वाइट इसी तरह से रहेंगे। अब जनाब हम की गरम मसाला शामिल कर देते हैं और इसको करते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट का लगाएंगे नम। नम लगाने के बाद फिर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन ने जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया है और हमारा यह सालन अब तैयार हो चुका है। अब जनाब हम ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। और जब भाप जो है वो नीचे बैठ जाएगी, सालन जो भाप जब तक कर लेगा, फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे। भाप जब तक करने के बाद हमने जो सालन की कर ली है सर्विंग, ये हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़े के बहुत ही यमी यमी वाइट टमाटर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी को, जिस तरह से मैंने बनाई इसी तरह से बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।